हेलो सिक्स क्लास बेटा, कैसे हैं आप लोग? देखिए, आपको जैसे कि पता होगा, हम लोग चैप्टर जो है फर्स्ट पढ़ रहे हैं और उसमें हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर लिया। अब हमें एक्सरसाइज 1.3 के लिए उसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे। पहले वीडियो नंबर हमारा 16 रहेगा। देखिए, एक्सरसाइज 1.3 ना पूरी की पूरी डिपेंड है राउंड ऑफ और नियरेस्ट के ऊपर, तो इसके हम पहले एग्जाम्पल कर लेते हैं। एस्टिमेशन पर निर्भर है, तो पहले हम इसके एग्जांपल्स कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम करेंगे। देखिए, फर्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पर 20 एग्जांपल है जो राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स नियरेस्ट 10। देखिए बेटा, मैं आपको सारी यहाँ पर नहीं कराऊंगी, कुछ कुछ आपसे कराती हूँ, बाकी सारे आप खुद करें। मैं आपको सिर्फ समझा देती हूँ नियरेस्ट 10 का मतलब क्या, नियरेस्ट 100 का मतलब क्या, 1000 का मतलब क्या, और एस्टिमेशन के नंबर यहाँ पर क्या होते हैं। ठीक है, नियरेस्ट 10 का मतलब है कि 10 के आसपास की इनकी वैल्यूज़ निकालिए। सिंपल चीज़ आपको यहाँ पर ये रहती है कि जो भी आपसे कहा है नियरेस्ट करने के लिए, उसमें जितने जीरो है ना, ठीक है, आप उन्हें भी ध्यान रखिए। यहाँ पर एक ही जीरो है। सबसे पहले देखिए आप क्या करेंगे, दो जो आपके अंक होते हैं पीछे वाले अंकों को तो हमेशा जीरो बना दीजिए। पीछे वाले अंकों को आपको क्या करना है, ज़ीरो बनाना है। और आगे वाले अंक के लिए ही यहाँ पर रूल है। आगे वाले अंक के लिए आप क्या करेंगे बेटा यहाँ पर, कि अगर आगे वाला अंक या तो एज इट इज़ लिखना होगा, या तो 7 की जगह 7 ही लिखेंगे, या फिर 7 की जगह हमें 8 लिखना होगा। दो ही रूल है, ठीक है। तो 7 की जगह 7 ही हम कब लिखते हैं, जब जो आपकी पीछे वाली संख्या है वो 5 से कम हो। देखिए 2 है ये, तो ये 5 से कम है बेटा। 5 से जब ये कम है तो पीछे वाली संख्या को तो जीरो कर दीजिए। पीछे वाली संख्या तो हमेशा जीरो होगी, ठीक है, पीछे वाली संख्या को तो आपको जीरो ही करना है। लेकिन पीछे वाली संख्या अगर 5 से कम है तो आगे वाली संख्या ऐसे कैसे लिख दीजिए, तो 72 का आंसर आएगा यहाँ पर 70, नियरेस्ट टू 10 में। और जब आप 29 की बात करेंगे, तो मैंने आपसे कहा पीछे की संख्या आप जीरो कर दीजिए, और आगे की संख्या के लिए क्या करना है, देखिए ये 5 से ज़्यादा है, 9 जो है वो क्या है, 5 से ज़्यादा है। और जब 5 या 5 से ज़्यादा हो तो आप 2 का 2 नहीं लिखेंगे, 2 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 3। जब 5 से छोटी हो तब तो आप ऐसे के ऐसे लिख दीजिए, और जब 5 से बड़ी हो या 5 हो तो आप 1 बढ़ा करके लिख दीजिए। जैसे कि आप 35 देखिए, पीछे की संख्या तो जीरो करनी है हमें, आगे की संख्या के लिए पीछे की संख्या देखो 5 है, 5 है, तो आपको क्या करना है, 1 बढ़ा करके लिखना है, 3 की जगह क्या लिखना है, 4, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे लैंग्वेज बना के नहीं लिखना, सीधा सीधा लिखना है। 72 का 70, 35 का 40, 14 का देखिए यहाँ पे पीछे तो 0 लिखना है। आगे क्या करेंगे बेटा, आप एक संख्या बढ़ाकर लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे बढ़ाकर। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये 5 से छोटा है, 5 से छोटा होता है तो ऐसे कैसे लिख देते हैं, क्लियर। तो ये आपका एग्जांपल नंबर यहाँ पर 20 था। इसी तरह से बाकी के एग्जांपल्स भी हैं जो मैं आपको फटाक से बताती हूँ। देखिए यहाँ पर कहा है नियरेस्ट 100 में कीजिए। नियरेस्ट किस में कीजिए बेटा, 100 में। मैंने आपको बेटा एक बात बताई कि जीरो काउंट करने ज़रूरी हैं आपके लिए, ज़रूरी है जीरो काउंट करना। तो जब आप ज़ीरो काउंट करेंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ज़ीरो काउंट करने के अंदर पीछे की दो संख्या उनकी जगह आप क्या लिख दीजिए बेटा, जीरो लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, जीरो लिख दीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप पीछे की संख्या देखिए, अगर दोनों संख्या 50 से ज़्यादा है, वहाँ क्या था 5 से ज़्यादा या कम, यहाँ क्या रहेगा 50 से ज़्यादा या कम। अगर 50 से कम है तो आप इसको ऐसे के ऐसे लिख दीजिए, और अगर 50 से ज़्यादा है, देखिए ये 78 है, 50 से ज़्यादा है तो 1 बढ़ाकर लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए 2 जीरो तो आप लिखेंगे पीछे के लिए। अब आप देखिए यहाँ 9 है और ये 89 है, 89 50 से ज़्यादा होता है, इसका मतलब 1 बढ़ा के लिखेंगे, तो 9 की जगह क्या लिखेंगे बेटा आप, 10 लिखेंगे। तो इस तरीके से सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इस तरीके से ये हो जाते हैं। अब जब हम नियरेस्ट टू 100 करेंगे तो भी देख 1000 देखिए, 1000 में 3 जीरो हैं, मतलब पीछे की 3 संख्या आपको जीरो करनी है। और 50 की जगह आप क्या देखना है, आपको 500 देखना है। एक जीरो वाले में 5 देखते हैं, 2 जीरो वाले में 50, और 3 जीरो वाले में 500 देखेंगे। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, पीछे तो आप 3 जीरो लिख देंगे, उसके बाद ये 24 है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, नियरेस्ट टू 1000 में ये 24000 का ही है,
ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए 3-0 आपने लिख दी, उसके बाद ये देखिए आप 265 है, 500 से कम है, ज़्यादा है, कम है, कम होता है तो हम क्या लिखते हैं, ऐसे के ऐसे इसी संख्या को लिख देते हैं, तो 24,000 आ जाएगा, ठीक है। और जब आप ये करेंगे तो 3-0 तो आपको लिखनी ही है, उसके बाद देखिए ये 39 है, यहाँ पर 685 है, 685 जो है वो 500 से ज़्यादा है, इसका मतलब इसमें आप एक बढ़ाकर लिखेंगे तो 39 की जगह आप क्या लिखेंगे, 40 लिखेंगे। इसी तरह से ये क्वेश्चन होगा जो आप HW के अंदर करिए, ठीक है। आप एग्जांपल नंबर 23 जो है उसके अंदर बेटिया नियरेस्ट 100 करना है, तो आप HW में करेंगे नियरेस्ट 100, अभी अभी मैंने आपको यहाँ पर समझाया है, क्लियर है। अब आप देखिए एग्जांपल नंबर 14, एग्जांपल नंबर 14 भी बेटा ऐसा ही है, आपसे कहा है राउंड ऑफ करना है 1000 के अंदर, नियरेस्ट 1000 और इन्हें जोड़ना है। तो देखिए 5000 से तो जब आप इसको नियरेस्ट 1000 करेंगे तो 3 तो 0 हो जाएंगी पीछे, और फिर मैंने आपसे कहा 290 है, 500 से कम है, तो 5 का 5 ही रहेगा, तो 5000 हो गया। इसी तरह से जब आप इसे करेंगे तो 3-0 और उसके बाद 900 क्या है ये 86, 500 से ज़्यादा है तो आप एक बढ़ा के लिखेंगे तो 18 हो जाएगा। तो 5 और 18 यानी 5000 और 18000 को जोड़कर लिखेंगे, तो ये एस्टीमेट सम हो गया, और ये हो गया एस्टीमेट सम या, और इसी तरह से एस्टीमेट डिफरेंस होता है जो आप HW के अंदर करेंगे, क्लियर है बेटा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आपको ये क्वेश्चंस इसी तरह से करने हैं, और बाकी बचे एग्जांपल्स भी आपको एस्टीमेट करने के, गुणा के लिए भी आपको इसी तरह से एस्टीमेट करने रहेंगे, क्लियर। तो आपसे मैं समझ सकती हूँ कि आप जो है यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे और इन सारे एग्जांपल्स को जो है HW के अंदर फिल, सॉरी CW के अंदर कर लेंगे, क्लियर। थैंक यू बेटा, इसमें आप CW में कीजिए बचे क्वेश्चन और HW में भी कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।